कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक रहेगा। जिला अधिकारी तय करेंगे कंटेनमेंट जोन, सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की मिलेगी छूट। मेडिकल सर्विसेज और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर रहेगी सख्ती। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से दी गई छूट। सरकार ने धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से दी गई छूट। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही थी। दूसरे फेज के तहत स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ा है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू था। बिना पास के एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की दी गई इजाजत। पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल रहेंगे बंद। सरकार तीसरे फेज में खोलने पर ले सकती है फैसला। प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वरोजगार के लिए योगी सरकार तैयार कर रही है एक और कार्य योजना। सीएम योगी के निर्देश पर दुग्ध विकास विभाग तैयार किया खाका। उत्पादन बढ़ाने में सहभागी बनेगा प्रवासी श्रमिकों को दिया जाएगा रोजगार। भीमतारा में कोरोना की लड़ाई में युद्ध क्षेत्र मानकर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही काम। जिले में नवागढ़ ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटरों में प्रवासी मजदूरों का आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए लिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कोरोना की सवारी पर चला जिला प्रशासन का चाबुक। बिना छूट ई रिक्शा चलाने वालों पर हुई कार्रवाई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे रिक्शा चालकों का प्रशासन ने किया चालान। सहारनपुर में पिता ही निकला प्रेमी युगल का हत्यारा। कुछ दिनों पहले एक युवक और युवती को गोली मारकर हुई थी हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने दोनों को उतारा मौत के घाट। दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक सब्जी बेचने वाले युवक की कार से दबकर मौत हो गई। परिजन पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार न करने का आरोप लगा रहे हैं। घटना शुक्रवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच बताई जा रही। गौतम बुद्ध नगर में कोविड 19 से बचाव के लिए प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। प्रशासन द्वारा यूपी सरकार के आकर्षित वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। गाजियाबाद से प्रवासी मजदूरों को आज स्पेशल ट्रेन हावड़ा के लिए रवाना होगी। ट्रेन में 1600 लोगों को यात्रा करने की छूट मिली है। सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। आगरा में रेलवे अंडरपास के नजदीक हुई युवक की हत्या का हुआ खुलासा। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति की कराई थी हत्या। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर। हरदोई की तरफ जा रहे दो मोटरसाइकिल सवार युवकों को तेज रफ्तार डंपर ने कुचला। दोनों युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत। उन्नाव में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। 3 और पॉजिटिव केस मिलने के साथ एक ही की मौत। उन्नाव में 28 मई के लिए गए सैंपल। प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश वापसी के साथ ही बढ़ रहे कोरोना के मरीज। प्रयागराज में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में तीसरे शख्स की गई जान। झगड़ा करते दो लोग चारपाई पर बैठे बुजुर्ग पर गिरे। चोट लगने से 70 साल के बुजुर्ग की हुई मौत। कन्नौज में आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। गैस एजेंसी की दीवार गिरने से 3 कर्मचारी दबकर घायल हो गए, जबकि मौके की फसल भी ओलावृष्टि के कारण तबाह हो गई। उन्नाव में आर्थिक तंगी से जूझ रही एक आशा बहू ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद से लोग हैरत में हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही।
झांसी में अवैध खनन को लेकर हुए विवाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना में बंटी यादव नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया। कानपुर के बिल्हौर में भारी ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वाहन, मकान और फसलें हुई क्षतिग्रस्त। गांवों के किसान हुए उदास। उन्नाव डीएम ने प्रवासी श्रमिकों की प्रशस्ति पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया। जिलाधिकारी ने सभी श्रमिकों को रोजगार दिलाने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए फैक्ट्री प्रबंधन से बात की जा चुकी है। प्रतापगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 285 किलो गांजे के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया। अमेठी की जगदीशपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तीन दिन पहले लाखों की चोरी करने वाले पांच शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपियों पर अमेठी के साथ दूसरे जनपदों में भी अलग अलग मामले दर्ज। हाथरस के थाना सासनी क्षेत्र के गांव लोहरा में अंधविश्वास के चलते युवक ने अपनी जान गंवाई। सांप के काटने के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े रहे परिजन। प्राथमिक उपचार देने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य में किया था रेफर। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के गांव सदमपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। फायरिंग की घटना, छानबीन में जांच में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। बड़ी खबर बता देते हैं आपको। सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अमृता रावत के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। होम क्वारंटाइन में पत्नी अमृता रावत कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री अमृता रावत में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। होम क्वारंटाइन में पत्नी अमृता रावत। बड़ी खबर बता देते हैं आपको इस वक्त की। सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमृता रावत को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। होम क्वारंटाइन में पत्नी अमृता रावत कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। अमृता रावत, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। होम क्वारंटाइन में अमृता रावत को रखा गया है।
कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी हैं अमृता रावत। सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, अमृता रावत के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। अमृता रावत को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव, बड़ी खबर इस वक्त की। अमृता रावत कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रही हैं और त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी हैं अमृता रावत, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, अमृता रावत के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। होम क्वारंटाइन में पत्नी अमृता रावत, अमृता रावत कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रही हैं। राजेश वर्मा उत्तराखंड स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन संस्कृत विभाग और साथ ही वो कथा वाचक भी हैं, क्योंकि लगातार उनके पास उनके अनुयायी जो है, उनके भक्त जो है, उनके संपर्क में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी 3 दिन पहले जो है उनके भक्त जो है दिल्ली से कुछ लोग उनके घर पर आए और घर पर आने के बाद जो है कहीं उनका घर जो है 2 दिन बाद जो है सील कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के एक असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी। लेकिन राजेश जी जब 4 दिन पहले सतपाल महाराज के घर को सील कर दिया गया था, फिर भी सतपाल महाराज कल कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे, ये जानकारी होने के बाद भी कि उनके घर को सील कर दिया गया है, इसके बावजूद वो उसमें कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही उनका घर को, आवास को जो है वो सील किया गया और साथ में ही जो आज कहीं ना कहीं जो उनकी धर्म पत्नी है अमृता रावत, तो उनको फिजिकली दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से उनको आज एक देहरादून की निजी लैब में उनका टेस्ट कराया गया और शाम को जब रिपोर्ट आई तो वो चौंकाने वाली रिपोर्ट ये थी कि उनको कोरोना पॉजिटिव उनको पाया गया। अभी फिलहाल जो है अमृता रावत अपने घर पे ही क्वारंटाइन है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है वो कहीं ना कहीं, राजेश जी, बड़ा सवाल ये है कि कल सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे, तो क्या त्रिवेंद्र सरकार की पूरी मंत्रिमंडल में कोरोना पॉजिटिव का खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कल ही कैबिनेट जो है वो वहां पर सचिवालय में कैबिनेट हुई है और उसके बाद सतपाल महाराज खुद वहां पर मौजूद थे, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो है, भगवान ईश्वर ना करे कि इस तरीके की जो है की बात जो है सामने आए, लेकिन फिलहाल जो है कहीं ना कहीं जो क्वारंटाइन जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि सतपाल महाराज वहां मौजूद थे और आज जिस तरीके से रावत का जो पॉजिटिव रिपोर्ट जो आई है, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो जो है सरकार को, यानी कि कैबिनेट जो मंत्री है, तमाम अधिकारी है, उनके ऊपर भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो है अमृता रावत अपने घर पर है और घर पे ही उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बैठकें का दौर चला है, सतपाल महाराज कहाँ गए, कहाँ पर उनसे बात हुई और अमृता रावत के संपर्क में कितने लोग थे, कितने आए, तो ये सारे एक सवाल है, ये जांच का विषय है, जिसपे तमाम जो अधिकारी हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं, इन चीजों को लेकर के ध्यान दिया जा रहा है। जो जो इनके संपर्क में है तो उनको होम क्वारंटाइन करने की जो प्रक्रिया है वो जल्द हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है। शुक्रिया राजेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं।
मंत्री सतपाल महाराज के पर्सनल सेक्रेटरी अभिषेक वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सतपाल महाराज की पत्नी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, अमृता रावत जी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और कल ही सतपाल महाराज जी कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। ये जानकारी होने के बाद भी कि उनका घर 4 दिन पहले सील कर दिया गया है, इसके बावजूद भी सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए हैं। अभी जो मेरे पास खाली जानकारी है वो यही है कि सुबह इनका सैंपल लिया गया था स्वैब टेस्ट, और शाम को रिपोर्ट आई गई जिसमें ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बाकी जो भी अभी जो गाइडलाइन है सरकार की, जो भी गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग की, जो भी गाइडलाइन है उसके मानकों को देखते हुए उसका जो भी होगा उसको फॉलो किया जाएगा। अभिषेक जी, यही जानकारी। अभिषेक जी, कल सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे, तो क्या पूरी मंत्रिमंडल, त्रिवेंद्र सरकार के पूरे मंत्रिमंडल पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है? जी वो तो अब जो भी स्वास्थ्य की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। अभिषेक जी, ये जानकारी थी कि 4 दिन पहले इनके घर को सील कर दिया गया था, सतपाल महाराज के घर को सील कर दिया गया था, इसके बावजूद वो सतपाल महाराज कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। हेलो, हेलो, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी हैं हम, सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमृता रावत के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है, और सतपाल महाराज कल कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या त्रिवेंद्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल कोरोना का खतरा मंडरा रहा है पूरे मंत्रिमंडल पर? यहां पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। खुदी को आजमाया, मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर यूपी पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 को लेकर अटकलों का दौर खत्म हो गया है। देश में लॉकडाउन 4.0 खत्म होने से पहले लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दे दी गई है। देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू किया गया है। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथे चरण का कल यानी 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इस
इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। गौरतलब है कि लॉकडाउन 5 के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच फिर से करीब एक घंटे तक मुलाकात चली। इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई थी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च शर्तों के साथ खोले जाएंगे। 8 जून से सभी राज्यों में शॉपिंग मॉल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। थिएटर, पब, बार और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन भी 30 जून तक बंद रहेंगे। फर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर है वो गिर रहा है और एक प्रकार से जो कर्व है वो फ्लैटन आउट होता जा रहा है, तो वो अनलॉक वन की तरफ भारत अब जा रहा है। उसके गाइडलाइन जो आ रहे हैं उसका स्वागत करते हैं और उसके आधार पर हम सभी राज्यों को उसकी स्टडी करते हुए अपने अपने राज्यों में लागू करना। सरकार ने शर्तों के साथ धीरे धीरे कई चीजों में छूट देनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन 4 के मुकाबले सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए लॉकडाउन 5 में ज्यादा छूट दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। यहां पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अब्रार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जय कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, किल्लार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी बात, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार, के न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज, केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में सियासत, दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। लगातार 2 दिन से वायरस के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच देश की राजधानी में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सियासी घमासान। अजय माकन ने एक आंकड़ों पर केजरीवाल सरकार को घेरा। अजय माकन ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। माकन बोले, दिल्ली में 1036 दाह संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से हुए। दिल्ली सरकार ने कोरोना मृतकों की लिस्ट में 82 नए नाम जोड़े। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ रहा है और लगातार दो दिन से वायरस के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और इस बीच देश की राजधानी में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट करते हुए कहा, कल रात तक दिल्ली में 1036 का दाह संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है, परंतु मृत्यु का सरकारी आंकड़ा 392 है। असलियत निगम बोध 439, पंजाबी बाग 389, ITU 164, मंगोलपुरी 22, बुलंद मस्जिद 22। देर रात को ताकि कोई अखबार न छाप सके, चुपके चुपके जो जानकारी आप दे रही वो भी आधी अधूरी है। माकन ने अपने ट्वीट में कोरोना पर दिल्ली CMO की ओर से जारी 29 मई का हेल्थ बुलेटिन भी शेयर किया है। इसमें बताया है कि दिल्ली में कोरोना के अब तक 17,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 9,142 है। दिल्ली BJP अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिन प्रतिदिन जिस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इससे लोगों के सामने अरविंद केजरीवाल सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत उजागर हो गई है। बहरहाल कोरोना काल के बीच अब दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ गया है। दस रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कोरोना संकट काल में कोरोना के साथ अब आर्थिक तंगी जान पर भारी पड़ रही है। भूखे पेट का कातिल सिस्टम अब जान लेने पर आमादा है। यूपी से लेकर MP तक आर्थिक तंगी और गरीब अब जान पर भारी पड़ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, ये बात बीते मार्च महीने से हर कोई कह रहा है। लेकिन देश के सामने जो बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है, उसे हिंदुस्तान कैसे निपटेगा, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि सरकार हर हिंदुस्तानी का पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने की हर संभव कोशिश कर रही है। राज्य सरकारें भी अपना खजाना खोल रही हैं, लेकिन भूखे पेट की जान कातिल सिस्टम ले रहा है। यूपी से लेकर MP तक भूख और गरीबी का जो संकट इस कोरोना काल ने खड़ा किया है, वो लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। तीन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सरकारी सिस्टम गरीबों और भूखों की जान ले रहा है। एक तरफ BJP शासित राज्यों की सरकारों ने अपने खाने के भंडार खोल दिए हैं, दिल्ली की सत्ता पर बैठी केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन निचले स्तर पर इन फैसलों को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो भूख और गरीबी के चलते तीन लोग यूं ही अपनी जान नहीं गंवा देते। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपने 8 साल के मासूम बेटे के दोनों हाथ बांधकर वैन गंगा नदी में डुबोकर मार डाला। घटना के बाद हत्यारा पिता पहले अपने घर गया, बेटे को नदी में डुबोकर मारने की बात बताई और फिर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को अपने बेटे की हत्या करने की जानकारी दी। आरोपी के मुताबिक उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसने अपना वंश खत्म कर दिया। लखीमपुर खीरी में गरीबी के चलते एक मजदूर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। सुसाइड लेटर में शख्स ने लिखा, ये सुसाइड गरीबी और बेरोजगारी की वजह से कर रहा हूँ। गेहूँ चावल सरकारी कोटे पर मिलता है, पर चीनी पत्ती दूध दाल सब्जी मिर्च मसाले परचून वाला अब उधार नहीं देता। मुझे खांसी, सांस, जोड़ों का दर्द, दौरा, अत्यधिक कमजोरी, चलना तो सांस फूलना, चक्कर आना आदि, ऐसे ही मेरी विधवा माँ 2 साल से खांसी बुखार से पीड़ित है। तड़प तड़प कर जी रहे हैं। लॉकडाउन बराबर बढ़ता जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है हमें, ना तो कोई शासन से सहयोग मिल रहा, ना प्रशासन ने सुध ली। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मरने के बाद क्रिया कर्म ही करा सकें। बहुत दिक्कत हो रही है,
बहुत समस्या थी, बहुत परेशान थे लड़कियों को बेचारे, वो खिला नहीं पा रहे थे, खिला नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे। होटल पे काम हम नहीं कर, काम ढूंढने जाते थे मगर कर नहीं पाते थे, काम मिलता नहीं था। अच्छा, शरीर से कमजोर थे, शरीर से वो कातिल सिस्टम ने उन्नाव में भी पीछा नहीं छोड़ा। सफीपुर में आर्थिक तंगी के चलते स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी आशा बहू ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक आशा बहू के बेटे की शादी 27 जून को होनी थी। आर्थिक तंगी के चलते पैसा न जुटा पाने से जान देना मुनासिब लगा। कोरोना संकट ने लोगों को ऐसे दोराहे पे ला खड़ा किया है कि अब लोगों को जिंदगी से प्यारी मौत लग रही है। आर्थिक तंगी और भूख लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। भूखे पेट के कातिल सिस्टम से सरकार कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। यूपी में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। यूपी सरकार का दावा है कि अब तक प्रदेश में 27 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं। अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी प्रवासियों के सुरक्षित गृह राज्य वापस लाने तक फ्री ट्रेन और बस सेवा जारी रखेगी। एक रिपोर्ट देखिए। संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमण रोकने के लिए देश में लागू किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण को समाप्त होने में महज चंद रोज बचे हैं, लेकिन ना तो कोरोना केस की बढ़ती तादाद पर लगाम लग पा रही है और ना ही अलग अलग राज्यों से अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी मरीजों की संख्या में कमी आ रही। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमण रोकने के लिए देश में लागू किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण को समाप्त होने में महज चंद रोज बचे हैं, लेकिन ना तो कोरोना केस की बढ़ती तादाद पर लगाम लग पा रही है और ना ही अलग अलग राज्यों से अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर भी बड़ी संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार अब तक प्रदेश में 27 लाख मजदूर लौट आए हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार अवस्थी ने दावा किया है कि इन मजदूरों को राज्य सरकार की ओर से बगैर किसी शुल्क के ट्रेन और बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बाहर से कोई व्यक्ति आया है और तात्कालिक रूप से उसको कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी जो है चिकित्सकीय व्यवस्था चाहिए तो उसको 2,000 रुपया ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा उसको उसके खाते में दिया जा सकता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं और ये इस कारण से किया गया है क्योंकि 30 लाख से ज़्यादा लोग, श्रमिक और मजदूर, उनका परिवार, उनके बच्चे जो है अन्य अन्य प्रदेशों से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो तात्कालिकता की दृष्टि से कहीं किसी को कोई भी दिक्कत ना हो, ये आदेश मुख्यमंत्री जी ने देते हुए ग्राम पंचायतों को आदेश दिया है, ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी दी है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे और ग्राम प्रधान जिम्मेदार होंगे यदि कहीं भी किसी भी ग्राम में आवश्यकता होगी धनराशि वो जारी करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी प्रवासियों के सुरक्षित गृह राज्य वापस आने तक फ्री ट्रेन और बस सेवा को जारी रखेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटे यात्रियों ने टिकट के पैसे लिए जाने के दावे किए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। मजदूरों को घर वापस पहुँचाने के नाम पर बस पॉलिटिक्स भी हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार से मजदूरों को घर तक जाने के लिए 1000 बसों के परिचालन की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद 3-4 दिन तक लेटर वार चलता रहा था। कांग्रेस पार्टी मजदूरों के मुद्दे पर लगातार आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए। इन सब के बीच मजदूरों का दूसरे राज्य से पलायन जारी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कोरोना काल में मोदी गमछास्त्र बना हुआ है। बीते दिनों जब नरेंद्र मोदी स्वयं मास्क की जगह गमछा बांधकर टीवी पर आए और लोगों से अपील की कि मास्क की जगह गमछा का उपयोग भी कोरोना से बचा सकता है, तो पूरे देश में इस अपील का असर हुआ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का गमछा राज्य सरकार की आजीविका योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयनित है, लेकिन मोदी की अपील के बाद
नजारा बदल गया है, एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना से जंग में अस्त्र बना मोदी गमछा, मोदी गमछा दे रहा लोगों को रोजगार। बाराबंकी का गमछा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयनित, मोदी गमछे का हो रहा बहुतायत उपयोग। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मास्क की जगह गमछा बांधकर टीवी पर आए और फिर लोगों से अपील की कि मास्क की जगह गमछे का उपयोग भी कोरोना से बचा सकता है, तो पूरे देश में इस अपील का असर हुआ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का गमछा राज्य सरकार की आजीविका योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयनित है, लेकिन मोदी जी की अपील के बाद नजारा बदल गया है। हथकरघा कारोबार से जुड़े लोगों ने हूबहू उसी डिजाइन का गमछा तैयार करना शुरू किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांधा था। इसे मोदी स्टॉल या मोदी गमछा नाम दिया गया है। आते ही गमछे की मांग बढ़ने लगी। हालात ये है कि अब यहाँ मोदी गमछे का भरपूर उत्पादन हो रहा है। अब जिले में मास्क की ना सिर्फ किल्लत खत्म हो गई है बल्कि मोदी गमछे का भी बहुतायत उपयोग हो रहा है। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए मोदी गमछे की विशेषताएं। साइज 28 इंच चौड़ा और 72 इंच लंबा। कीमत 70 से 80 रुपए प्रति नग। क्षमता जिले में पावरलूम की 3000 यूनिट। रोजगार करीब 50,000 लोगों को। उत्पादन एक दिन में करीब 5,00,000 गमछे तैयार होते हैं। अब मोदी गमछा हो रहा तैयार। आपूर्ति उत्पादों की आपूर्ति बरेली दिल्ली मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों और अफगानिस्तान तुर्की खाड़ी देशों तक है। बाराबंकी जिले में मोदी गमछे का उत्पादन शुरू करने वाले का कहना है कि विस्कास कपड़े से इसे तैयार किया जाता है। जिला प्रशासन ने तो वितरण कराया ही, लॉकडाउन के बावजूद अब तक मोदी गमछे की भरपूर बिक्री हो चुकी है और मांग अभी भी कायम है। उम्मीद जताई गई है कि लॉकडाउन के बाद इसकी बिक्री में निश्चित ही तेजी आएगी। आपको बता दें इसके अलावा जयपुर के कारोबारियों ने भी मोदी गमछे का उत्पादन शुरू किया है। जिले में पावरलूम की 3000 यूनिट है जिनमें करीब 50,000 बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। एक दिन में करीब 5,00,000 गमछे तैयार होते हैं जिनकी आपूर्ति बरेली दिल्ली मुंबई सहित देश के विभिन्न हिस्सों और अफगानिस्तान तुर्की और खाड़ी देशों तक है। फिलहाल मोदी गमछा जिले के इस उद्योग में जान फूंक रहा है। रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण करके पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इस दौरान पत्रकारिता से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा भी की गई। ये कार्यक्रम सूचना कार्यालय पर किया गया और इस दौरान पत्रकारों के साथ कई प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के चौक स्थित प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर के पास कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आज उस क्षेत्र को 250 मीटर एरिया को सील करने की कार्रवाई जारी है। हम खड़े हैं बहराइच के दिल कहे जाने वाले सिद्धनाथ मंदिर के पास में, जहाँ पर अभी दो दिन पूर्व दिल्ली से आया हुआ एक व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरे एरिया को सीज कर दिया है और 250 मीटर की रेंज तक बैरिकेडिंग लगाकर वहाँ पे लोगों की स्कैनिंग चल रही है। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो स्कैनिंग की टीम है वो घरों का सर्वे कर रही है और सर्वे करके जो है वो पूरे अपनी रिपोर्ट देगी। जिस हिसाब से बाकी प्रक्रिया अभी चल रही है और इसी को लेकर अभी जो एरियाएं हैं उसको पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज और जो भी ज़रूरी आवश्यक सामग्री है उसको पहुँचाने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है और
बहराइच से के न्यूज इंडिया के लिए शकील अहमद। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में डायल 112 में तैनात कांस्टेबल का युवक से रिश्वत लेने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें डायल 112 में तैनात कांस्टेबल ने एक पक्ष से रुपए रिश्वत के रूप में लिया था। वीडियो में कांस्टेबल रुपए गिनते हुए साफ दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिसकी जाँच पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा सीओ सदर निष्ठा उपाध्याय को सौंप दिया है। बताया जाता है कि सीओ की जांच में रिश्वत लेने की पुष्टि हुई है। जांच में सत्यता पाए जाने पर उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तरकुलवा के एक गांव में दो पक्षों में विवाद होने के फलस्वरूप डायल 112 के कर्मचारियों द्वारा एक पक्ष को थाने लाया गया और उस पर नियुक्त एक कर्मचारी ने अवैध उत्कोच की मांग की। उत्कोच लेने के संबंध में वीडियो वायरल हुआ जिसकी जांच कराई गई। जांच में सत्यता पाए जाने पर उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के रामघाट रोड देवेंद्रा मार्केट स्थित एक बैंक के एटीएम को शुक्रवार की रात करीब 2 बजे बाइक सवार 3 बदमाशों ने उखाड़ने का प्रयास किया। इस दौरान मुंबई स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय में अलर्ट अलार्म बजने पर वहां से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। क्षेत्रीय पुलिस के पहुंचने से पहले ही बदमाश भाग गए। इस दौरान बदमाशों की बाइक वहीं छूट गई। सीओ सिविल लाइन अनिल समानिया ने बताया कि बदमाश एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, जिनकी पहचान कर जल्द ही गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। रामघाट रोड पर रात्रि में लगभग 2 बजे HDFC बैंक के ATM को चोरी करने का प्रयास किया गया। हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने पीछा किया और एक चोर को पकड़ने का प्रयास किया जिसमें सिपाही के घुटने में चोट लग गई। उसी के प्रयासों से वहां पर उनकी मोटरसाइकिल छूट गई। यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चल रहा चिरो। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव, नंबर 1 इन एकेडमिक्स, नंबर 1 इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिटरेसी स्कूल उन्नाव। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अब्रार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इल्दार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सभी बात, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज, मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन काल में आम जनता को हो रही गंभीर समस्याओं के लिए समाधान के लिए कानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि ने मंडलायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। शिविर कार्यालय पहुंचे सपा के प्रतिनिधि ने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान सपा प्रतिनिधि सम्राट विकास यादव ने बताया कि किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही विद्यालयों द्वारा फीस वसूलने का काम शुरू हो गया है और बिजली विभाग द्वारा भी वसूली की जा रही है, जबकि लॉकडाउन के कारण हर वर्ग परेशान है। ऐसी स्थिति में राहत देने की जरूरत है। मैं
ज्ञापन देने मंडलायुक्त साहब को आया था, जो महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन था। और इस ज्ञापन में मुख्य रूप से, जब लगभग 70 दिनों से लॉकडाउन की स्थिति में हमारा प्रदेश है और ऐसे समय में अब धीरे धीरे निम्न वर्गों के अलावा मध्यम वर्ग के लोग भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझ रहे हैं, और ऐसे समय में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बनाना कि आप अपनी बच्चों की फीस जमा करिए, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और बिजली के बिल के नाम पर, ये जाहिर है कि जब से लॉकडाउन हुआ है गरीब आदमी भी अपने घर में है कहीं ना कहीं, तो जो रेंटल फीस होती है, हमारी मांग है कि रेंटल फीस वसूली जाए। प्रवासी श्रमिकों के स्वरोजगार के लिए योगी सरकार तैयारी कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर दुग्ध विकास विभाग खाका तैयार कर रहा है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में सहयोगी बनकर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। माउंट लिट्रा जी स्कूल उन्नाव, नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिट्रा जी स्कूल उन्नाव। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी से शादी करने वाला उसका पति अजितेश एक बार फिर सुर्खियों में है। अजितेश ने बरेली में एक युवक की महज इसलिए पिटाई कर दी कि उसने बाइक से उसकी एक्सयूवी कार को ओवरटेक कर दिया था। पिटाई का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है और फिलहाल अजितेश सलाखों के पीछे है। बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा से प्रेम विवाह करने के बाद सुर्खियों में आए अजितेश की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। अजितेश का आरोप है कि उसने अपने साथी के साथ एक युवक की महज इसलिए पिटाई कर दी कि उसने बाइक से उसकी एसयूवी को ओवरटेक किया था। आरोप है कि अजितेश ने पिटाई करके उसका मोबाइल छीन लिया, उसको जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद प्रेमनगर थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर पर गुंडागर्दी करने वाले अजितेश सहित दो लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बरेली के प्रेमनगर थाने में अजितेश अब सलाखों के पीछे खड़ा है। अजितेश ने बीते रात सड़क पर दीपांशु नाम के युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। अजितेश ने कुछ समय पहले बीजेपी विधायक की पुत्री के साथ विवाह किया था, जिसके बाद अजितेश मीडिया की सुर्खियों में आ गया था। शिकायतकर्ता दीपांशु की माने तो बीती रात को मेडिकल से वो दवा लेकर अपने घर जा रहा था। इसी बीच धीमी रफ्तार से जा रही एसयूवी गाड़ी को उसने ओवरटेक किया, तो इतने में एसयूवी पर सवार अजितेश और वैभव गंगवार ने उसको रोक लिया, उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। इतना ही नहीं, वीडियो बनाते वक्त मोबाइल भी तोड़ दिया।
उनका घमंड था कि हम गाड़ी से हैं और अगला बाइक से है, तो वो कैसे हमारी गाड़ी के आगे निकल सकता है। मैं इन लोग को कुछ ये जो इन लोग को मिला, चार पांच जो है लोग इन लोग के साथ में भी थे, पता नहीं कौन कौन था। एक खंभा लगा हुआ था, वो सर पकड़ के दो लोगों ने खंभे में भी जो है लगाया, बाकी लाते हैं घूसे सभी चीज़ों से जो भी इनके हत्थे चढ़ी। मेरे मुझे मैं समझ ही नहीं पाया ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं हो रहा। आरोप है कि इजतेश उस समय शराब के नशे में था, पिटाई से दीपांशु को गंभीर चोटें आई हैं। अजतेश की गुंडाई मोबाइल में भी रिकॉर्ड हुई। वहीं अजतेश खुद को बेकसूर बता रहा है। गौरतलब है कि अजतेश की गुंडाई का ये कोई पहला मामला नहीं है, आए दिन अजतेश की गुंडाई के मामले आते रहते हैं। विधायक की बेटी से प्रेम विवाह करने के बाद कोर्ट से अजतेश को प्रोटेक्शन भी मिली है। उधर अजतेश पूरे मामले के पीछे विधायक का हाथ होने का आरोप लगाते हुए साजिश बता रहा है। अगर मुझे कोई सुरक्षा मिली हुई है, अगर मेरे साथ कोई चल रहा है, आगे पीछे कोई बाइक करेगा, तो मैं उससे शीशा खोल के पूछ तो सकता हूँ, इतना तो कितनी, कितनी सच्चाई है इसमें ये आरोप जो लगा रहे हैं? कितनी सच्चाई है वो तो सीसीटीवी फुटेज देख के ही पता चलेगा ना सर। मेरे साथ कम से कम 7-8 महीने हो गए सुरक्षा चल रही है, 7-8 महीने में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करी, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करा। सरकार का प्रेशर है, मुकदमा लिखवाना था मेरे ऊपर, वो लिखना था वो लिख गया, क्यों कोई दिक्कत नहीं। अब वो तो ये लोग जाने ना, जो पुलिस जाने, विभाग जाने, सरकार जाने, कौन है इसके पीछे, कौन, ये तो आप जाने, मीडिया जानती, सब जानते इसके पीछे कौन है। मैं इन सब के पीछे, सलाखों के पीछे मैं क्यों हूँ, इसके पीछे सब लोग जानते। वही प्रेमनगर इंस्पेक्टर बलबीर सिंह घटना के बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर अजतेश पर लूट तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी सहित गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने अजतेश के खिलाफ और भी मामले दर्ज किए हैं। एक आदमी, एक कार थी जिसमें दो लोग सवार थे, वो जा रहे थे, इन्होंने बाइक से आगे चले गए, ये दोनों कार वाले जो हैं उनको रोका और गाड़ी से उतर कर इनके साथ बिना कुछ पूछे गाली गलौज मारपीट करने लगे, इनका सर पकड़कर दीवार से टकराया, जिसके कारण इनके सर में काफ़ी चोटें आई हैं, बांह में, केहनी में, बहुत जगह पर इनकी काफ़ी चोटें आई हैं, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कही। फिलहाल अजतेश पुलिस की गिरफ्त में सलाखों के पीछे है और अपनी हरकतों के चलते फिर मीडिया की सुर्खियों में आ चुका है। के न्यूज के लिए बरेली से फजलुर रहमान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अब्रार अली, आमिर अल्लाह, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जय कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज, कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वीरेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस, थी धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंदर चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज, कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अब्रार अली, आमिर अल्लाह, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जय कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी,
सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी स्नेही सुजनों को सादर नमस्कार। मैं चार लंकेश आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूं समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में। ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके साथ में किसी नए विषय को लेकर के इस शो के माध्यम से चर्चा करते हैं। आज मन कुछ भारी सा है क्योंकि हमारे बीच में ज्योतिष सौर मंडल का एक बहुत ही चमकदार सितारा जिसने बॉलीवुड और न जाने दुनिया के कितने लोगों के ग्रहों को की ऊर्जा को परिवर्तित करके उन्हें कामयाबी के एक ऊंचाई पर पहुंचाया, वो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्हें हम बेजान दारू वाला के नाम से जानते हैं। ज्योतिष के बहुत ही योग्य आचार्य ग्रहों के साथ, रत्नों के साथ, रेमेडीज के साथ में उनका बहुत पुराना नाता रहा। हम लोग कई बार उनसे एजुकेट होते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी इस संसार में हैं, ईश्वर उन्हें अपनी शरण दे और वो सदैव शांति के साथ में ईश्वर के वैकुंठ में निवास करें। आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और ज्योतिष के एक नए विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ज्ञान जी मुंबई से जुड़ रहे हैं, पहले दर्शक हैं। ज्ञान जी, सवाल पूरा करिए। ज्ञान जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल पूरा करें। हाँ पंडित, सुन रहा हूँ जी। पंडित चैनल पर जी, प्रसन्न रहिए। पंडित, मैं मकान बना रहा हूँ कानपुर देहात में जी, साथ में मंदिर भी है। मैं 3-4 साल से काम रुक जा रहा है, बार बार स्टार्ट करता हूँ काम रुक जाता है। अच्छा। पूरा नहीं हो पा रहा है। आप अगर भवन निर्माण कर रहे हैं और उसमें आपको बाधा आ रही है तो उसके लिए आप 81 ईंटों का दान हनुमान जी के मंदिर में कर दें और मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल और गुड़ गौ माता को खिलाना चालू करें, जिससे आपकी भवन संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। तो प्रतिदिन हम किसी नए विषय को लेकर के आपसे चर्चा करते हैं। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, ग्रहों की जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, बेसिकली ग्रहों की ऊर्जा होती क्या है? ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो दूरी होती है उससे हमें प्राप्त होने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, और उपाय करके जो भी आप उनसे संबंधित उपाय करते हैं वो पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और नेगेटिविटी को कम कर देते हैं। इसी तरह से हमारा जो जीवन है वो चलता है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी ग्रह है ये, क्योंकि ये ग्रह अगर उत्तम हो गया तो हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आप लोग अगर इस विषय को अच्छे से समझना चाहते हैं तो अपनी अपनी कुंडली आप अपने सामने रख दें। जब भी आप कार्यक्रम को देखें तो अपनी कुंडली अपने साथ में रखें, जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में कि आखिर शुक्र ग्रह और ज्योतिष में क्या समानताएं हैं, कैसे ये सब चीज़ें हमारी अच्छी हो जाती हैं। चर्चा करेंगे, प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कानपुर से सुरेश एक दर्शक जुड़ रहे हैं। रोहित जी हैं। रोहित जी, सवाल पूरा करिए। नमस्कार जी रोहित जी। पंडित जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा आधा मकान तो बना हुआ है, उसको नया बनवाया था, पीछे का पुराना है उसको तोड़ के बनवाना है, तो बिना किसी विवाद के बन जाए उसके लिए कुछ उपाय बता दीजिए, बिना विवाद के अच्छे से बन जाए, कार्य कंप्लीट हो जाए पूरा। ठीक है, जब भी आपको अपने भवन का निर्माण प्रारंभ कराना हो उससे पहले आप अपने घर में 41 सुपारियां ला करके रख लें। ध्यान रहे वो सुपारियां टूटी हुई या खंडित बिल्कुल ना हो। उन सुपारियों को एक पीले कपड़े में ला करके रख लीजिए, मंगलवार के दिन उसे अपने घर में लेकर के आइए और अगले मंगल तक उसे आप अपने घर में रखे रहने दीजिए। फिर अगले मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जा करके अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारा भवन निर्माण
किसी भी समस्या के बगैर पूर्ण हो जाए और भगवान गणेश का नाम लेकर के कार्य आरंभ कीजिए। देखिए आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद पूरे परिवार के लिए। दिल्ली से संतोष जी जुड़ रहे हैं, सवाल पूरा करिए। मेरा बेटा जो भी कोई काम कर रहा है ना उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही। और मेरा दूसरा प्रश्न है, भतीजा है सिद्धार्थ, 35 साल का, 2 जून को हो जाएगा उसकी शादी, नहीं हो रही तो रिश्ता नहीं हो रहा। अच्छा, बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम अंकुर। एक बार नाम पुनः बताएं। अंकुर। अंकुर। अंकुर के नाम के आधार पर अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ जो राशि हमें प्राप्त होती है वो राशि सूर्य से संबंधित है, मंगल का ट्रांजेक्शन है। तो अगर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही हैं, तो ये रुद्राक्ष जल पीना चालू कर दें। रात्रि के समय रुद्राक्ष जो है जल में डाल करके रख दें, अगले दिन रुद्राक्ष निकाल करके उस जल को पीना चालू करें और चीज़ों को उत्तम बनाने